अज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वेलकम बैक टू माय किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ, झटपट बनने वाली रेसिपी। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भिंडी की भुजिया की रेसिपी। भिंडी यकीनन सबको पसंद होती है और ये भिंडी कई तरीके से बनती है। भिंडी कीमा बनता है, भिंडी गोश्त बनता है और भरी हुई भिंडी बनती है मसालेदार। हम बना रहे हैं आपके लिए सिंपल भिंडी की भुजिया। ये हमने भिंडी, आप भिंडी लेकर उसको पहले काट के और उसको धूप में रख दें या हवा में सुखा लें, क्योंकि इसमें लेस होता है तो वो लेस जो है वो उससे निकल जाता है सुखाने से या धूप में रखने से। चलिए आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी व्यूअर्स, सिंपल से इंग्रीडियंट्स इनके लिए भिंडी की भुजिया के लिए। भिंडी होगी, हमने काट के इसको रख दी थी, सुबह हमने काट दी थी, तो ये अच्छी तरह से इसकी लेस निकल गई है, खुश्क हो गई है। इसके साथ इसमें जाएगा प्याज का बघार लगाएंगे, प्याज, जीरा और ये कश्मीरी लाल मिर्च का बघार देंगे। और उसके बाद इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे, रेड चिली पाउडर हमने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी, ये 1.5 टी स्पून है। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। और ये हरी मिर्चें हैं, 8-10 हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। और बस सिंपल से जब ये तैयार हो जाएंगी भिंडी, और एक टमाटर भी जाएगा, हम टमाटर निकालना भूल गए, हम टमाटर भी डालेंगे इसमें। और जब ये तैयार हो जाएंगी तो जब भिंडी गल जाएंगी उसके बाद लीमू का रस डाल देंगे। पहले मत डालिएगा वरना भिंडी जो है वो गलेंगी नहीं, कच्ची रहेंगी। एक हम टमाटर निकालते हैं, बाकी ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, ये सब जाएंगी सिंपल सी झटपट 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। चलिए आइए मिलकर बनाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने ऑयल डाल दिया है, अब इसमें जा रहा है प्याज, 1 अदद प्याज बघार के लिए। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और जीरे का बघार देंगे। बहुत मजे की बनती है, या पराठे से खाइए, रोटी से, चपाती से खाइए, दोनों में आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए हमने बारीक बारीक काटी है भिंडियाँ, इनको काट के पहले धोया, धो के काट के इनको रख दिया था हवा में, धूप में रख दें या हवा में रख दें 3-4 घंटे में इसका जो है ये खुश्क हो जाती है, इसका लेस निकल जाता है। हमारे यहाँ भिंडी कीमा भी बनता है, लेकिन हमने बताते कुछ ये जो है भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है। भिंडी गोश्त भी बनता है, वो हमारी अम्मी के साइड से बनता है, हमारे ससुराल में नहीं बनता भिंडी गोश्त, भिंडी कीमा बनता है हमारे ससुराल में। जी व्यूअर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम डाल रहे हैं इसमें जीरा और डाल रहे हैं ये मिर्चें। आप चाहें तो ऐसे डाल दें या तोड़ के डाल दें, हम तोड़ के डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, चाहें तो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो डाल सकते हैं आप इसमें, हमारे पास वो खत्म हो गई है तो इसलिए हम ये डाल रहे हैं। अब जाएगा इसमें टमाटर, एक टमाटर हमने चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप कर लीजिए, ये टमाटर जा रहा है। अब साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे, लीमू ऐड में जाएगा, क्योंकि अगर अभी लीमू डाल दिया तो ये भिंडी आपकी कच्ची रह जाएंगी। थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि मसाला जो है जले ना। थोड़ा पानी डाल रहे हैं इसमें, जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें भिंडी डाल देंगे। अब ये मिर्ची हम चॉप कर लेते हैं, बारीक बारीक काटेंगे मिर्चें। जी व्यूअर्स, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, ये हमने हरी मिर्चें काट ली है, ये जा रही है इसके अंदर। और ये भिंडी डाल देंगे इसमें, डालना रही थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें,
ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसलिए ये टमाटर के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगी, टमाटर के पानी में ही गल जाएंगी, क्योंकि ये खुश्क रखनी है तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो थोड़ा सा पानी गया इसमें, तकरीबन आधी प्याली, और इसको हल्की आंच पे रख देंगे बिल्कुल, ताकि आपकी भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए इसी पानी में। इसको हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल आंच धीमी कर देंगे। अब हम गूंद लेते हैं आटा चपातियों के लिए, जो भिंडी बच जाएंगी वो हम सुबह खाएंगे पराठे के साथ। क्या मज़े की लगती हैं पराठे के साथ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम आटा गूंथते हैं, आप साथ रहिएगा। व्यूअर्स देखिए, हमारी भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई हैं, गल गई हैं बहुत अच्छी तरह से, पानी भी इसका ड्राई हो गया। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये लीमू, लीमू का जूस, और फिर इसको डिश आउट करते हैं और बनाते हैं गरम गरम चपातियाँ। जी व्यूअर्स, मज़ेदार भिंडी की भुजिया रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी, मज़ेदार सी झटपट बनने वाली? आप गरम गरम चपातियाँ बनाइए, घर वालों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और जो भिंडी बच जाए सुबह पराठे बनाइए और मज़े से एंजॉय कीजिए। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको भिंडी की भुजिया? आई होप कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी, आप ज़रूर बनाएंगे और घर वालों की दाद वसूल करेंगे। चलिए फिर जल्दी से बनाइए, देर किस बात की, हम भी जब आटा गूंद लिया है हमने, हम चपातियाँ बनाएंगे गरम गरम, घर वालों को खिलाएंगे, फिर हम खुद भी खाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटी ज़रूर बजा के भागिएगा, ठीक है जी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी रखे, आपके रिस्क में बरकत दे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह हाफिज़।